अध्याय 4 उन्नति का मंत्र कविता। कविता का मूल तत्व। प्रस्तुत पाठ में यह बताया गया है कि समय अत्यंत मूल्यवान होता है, इसलिए हमें समय के महत्व को पहचानना चाहिए। कभी सवेरा कभी अंधेरा, कभी चांद मुस्काता है, खिलता फूल कभी डाल पर वह कभी झड़ जाता है, कभी बालपन मिलता हमको कभी जवानी आती है, पागल बन जब झूमा करते तभी जरा आ जाती है, कभी उमड़ते नदियां नाले कभी धूल ही उड़ती है, अंधेरी रजनी में धरती ओस कणों में धुलती है, समय निरंतर बढ़ता जाता बदल रहा जग जीवन है, बदल रही है पत्ती पत्ती बदल रहा सब कण कण है, यदि इच्छा है सुख की तुमको समय व्यर्थ मत खोना रे, जो कुछ करना करो समय पर नहीं आलसी होना रे, समय मान है समय प्राण है, समय सभी सुख दाता है, समय नष्ट कर नहीं कोई भी विद्या धन सुख पाता है, नहीं समय को कभी गवाओ उन्नति का यह मंत्र सदा, मूल्य समय का जो पहचाने चलती सबकी सब विपदा। शब्दार्थ। सवेरा अर्थात सुबह, बालपन अर्थात बचपन, उमड़ते अर्थात उफान करते हुए, रजनी अर्थात रात निशी, जग अर्थात संसार विश्व, दाता अर्थात देने वाला, उन्नति अर्थात प्रगति विकास, मूल्य अर्थात कीमत। उच्चारण करें। मुस्काता, नदियां इच्छा, व्यर्थ नष्ट विद्या, विपदा प्राण मंत्र विपदा, अध्यापन संकेत, शिक्षक शिक्षिका बच्चों को कविता का भावार्थ बताएं तथा उन्हें आलस्य से दूर रहने के लिए प्रेरित करें। अभ्यास करें। जरा बोलिए। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। क, अंधेरे में कौन मुस्काता है? उत्तर, अंधेरे में चांद मुस्काता है। ख, अंधेरी रात में धरती किससे धुलती है? उत्तर, अंधेरी रात में धरती ओस कानों से धुलती है। ग, मान तथा प्राण कौन है? उत्तर, समय मान तथा प्राण। ख, कविता में किसके मूल्य को पहचानने के लिए कहा है? उत्तर, कविता में समय के मूल्य को पहचानने के लिए कहा है। जरा लिखिए। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, हमारे जीवन में कौन से परिवर्तन आते हैं? उत्तर, हमारे जीवन में बालपन जवानी बुढ़ापा इत्यादि परिवर्तन आते हैं। ख, सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? इसे किस प्रकार व्यवहार में लाना चाहिए? उत्तर, सबसे मूल्यवान वस्तु समय है, इसे व्यर्थ न गवा कर व्यवहार में लाना चाहिए। ग, सुख की इच्छा रखने के लिए किसे बचाना आवश्यक है? उत्तर, सुख की इच्छा रखने के लिए समय को बचाना आवश्यक है। घ, कविता में आलसी ना होने का मंत्र क्यों दिया गया है? उत्तर, कविता में उन्नति को प्राप्त करने के लिए आलसी ना होने का मंत्र दिया गया है। प्रश्न 3, दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, कभी सवेरा कभी अंधेरा कभी डैश मुस्काता है। उत्तर, चांद। ख, पागल बन जब झूमा करते तभी डैश आ जाती है। उत्तर, जरा। ग, कभी उमड़ते डैश कभी धूल ही उड़ती है। उत्तर, नदियां नाले। घ, यदि डैश है सुख की तुमको डैश व्यर्थ मत खोना रे। उत्तर, इच्छा समय। ड, समय नष्ट कर नहीं कोई भी डैश धन सुख पाता है। उत्तर, विद्या। प्रश्न 4, दिए गए शब्दों को उचित रूप से सम्मिलित कीजिए। क, फूल। उत्तर, खिलना। ग, धूल। उत्तर, उड़ना। ग, कण कण। उत्तर, बदलना। घ, व्यर्थ। उत्तर, समय। ड, मंत्र। उत्तर, उन्नति का। च, दाता। उत्तर, सुख। प्रश्न 5, दिए गए प्रश्नों के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। क,
निरंतर क्या बढ़ रहा है? कद, समय, रास्ता, इनमें से कोई नहीं। उत्तर, रास्ता। ख, डाली पर कौन खिलता है और मुरझाता है? फल, भवरा, फूल, पत्तियां। उत्तर, फूल। ग, पागल बनकर झूमने पर क्या आ जाता है? बुढ़ापा, जवानी, बचपन, इनमें से कोई नहीं। उत्तर, जवानी। घ, हमें किसको नष्ट नहीं करना चाहिए? खिलौने, मिट्टी, दुख, समय। उत्तर, समय। प्रश्न 6, दी गई पंक्तियों के भावार्थ को लिखिए। क, कभी उमड़ते नदियां नाले, कभी धूल ही उड़ती है, अंधेरी रजनी में धरती ओस कणों से धुलती है। ख, यदि इच्छा है सुख की तुमको, समय व्यर्थ मत खोना रे, जो कुछ करना करो समय पर, नहीं आलसी होना रे। जरा सोचिए। प्रश्न 7, आलस्य इंसान को निर्बल बनाता है, जबकि परिश्रमी होना जागरूक, ऐसा क्यों? अपने शब्दों में अभिव्यक्त कीजिए। जरा भाषा पर गौर कीजिए। प्रश्न 8, दिए गए शब्दों के पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्दों को लिखिए। क, समय। उत्तर, पुल्लिंग। ख, जवानी। उत्तर, स्त्रीलिंग। ग, पत्ती। उत्तर, स्त्रीलिंग। घ, पागल। उत्तर, पुल्लिंग। ळ, इच्छा। उत्तर, स्त्रीलिंग। च, सवेरा। उत्तर, पुल्लिंग। छ, तक। उत्तर, पुल्लिंग। ज, तलती। उत्तर, स्त्रीलिंग। प्रश्न 9, दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। विराम चिन्ह, भाषा के लिखित रूप में जब अर्थ एवं वाक्य रचना में कुछ समय रुकने के लिए जिन संकेतों चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। क, बीजक, कबीरदास द्वारा रचित ग्रंथ है। उत्तर, पूर्ण विराम। ख, स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। उत्तर, पूर्ण विराम। ग, नहीं, उसने आपकी बात नहीं सुनी। उत्तर, संबोधन चिन्ह, पूर्ण विराम। घ, क्या तुम पौष्टिक खाना खाते हो? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न 10, दिए गए प्रत्ययों से शब्दों का निर्माण कीजिए। क, ओटी। ख, ईल। ग, आड़ी। घ, ओना। ल, ईआ। च, हरा। छ, आउ। ज, ई। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए। प्रश्न 11, प्रस्तुत कविता में कवि ने समय के साथ ऋतु परिवर्तन के बारे में बताया है, क्या आप जानते हैं भारत में कितने प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं? उसके बारे में अपने अनुभव साझा कीजिए। जरा दिमाग लगाइए। प्रश्न 12, दी गई घड़ियों के समय को देखकर पहचाने कि वे किस समय काल की ओर संकेत को प्रदर्शित कर रही है। जीवन कौशल एवं मूल्य परक प्रश्न। प्रश्न 13, उन्नति एक ऐसा मंत्र है जिसे हर कोई आत्मसात करना चाहता है, आप अपने जीवन में किस प्रकार की उन्नति के मंत्र को आत्मसात करना चाहेंगे?